द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जलवा खत्म हो गया है? बनारस में उनके साथ जो सलूक हुआ है उसके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है? इस वीडियोज को देखने के बाद लोग तंज कस रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी को हार के बाद यह समीक्षा अभी चल ही रही है कि असली में जिम्मेदार है कौन। योगी आदित्यनाथ की वजह से ही बीजेपी की वहां दुर्गति हो गई, या फिर खुद नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं, या फिर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इन सब की समीक्षा भी होगी, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें यह साफ मैसेज जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी नाराज हैं, और योगी आदित्यनाथ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब नाराजगी और ना रहे। नरेंद्र मोदी के सामने आते ही एक अदना सा कार्यकर्ता की भांति वो व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं, दंडवत होते भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री वाला सम्मान दे रहे हैं, या फिर प्रोटोकॉल के नाम पर योगी आदित्यनाथ की फजीहत हो रही है? और अगर यह प्रोटोकॉल है तो फिर नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र मोदी का वो प्रोटोकॉल कहीं पीछे छूट जाता है और योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल जो है वो दिखाई पड़ने लगता है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए एक विजुअल, सुभाष शर्मा ने यह तस्वीर या वीडियो साझा किए हैं। योगी आदित्यनाथ भगवा ड्रेस में आम कार्यकर्ता की तरह किनारे में खड़े हैं, बस इधर उधर देख रहे हैं। वहाँ सुरक्षा कर्मी नरेंद्र मोदी के गुजर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ वहाँ खामोश से कमर पर कभी हाथ रखते हैं तो फिर कभी हाथों पर हाथ रखते हैं, उलझन में पड़े दिखाई पड़ते हैं। इस तस्वीर को साझा करने के बाद, इस वीडियो को साझा करने के बाद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ का जलवा वाकई में ख़त्म हो गया है? इसके पीछे के कई वजह हैं। अभी आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी अब बिहार गए, नालंदा गए, तो नीतीश कुमार तो खैर हर दौरे पर नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा सलूक करते नजर आते हैं कि उस वक्त ना तो किसी सुरक्षाकर्मी की इतनी हिम्मत होती है कि वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच चल रहे इस कुछ मज़ेदार पलों को वो रोक डाले। अब आप ही जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि कल भी यह देखने को मिला कि नीतीश कुमार अचानक से नरेंद्र मोदी का हाथ खींच लेते हैं और हाथ में कुछ देखते हैं, फिर अपना हाथ देखते हैं और फिर फिंगर का कुछ होता है, वो दृश्य तो था ही। और जब भी मौका मिला है नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को कैमरे के सामने असहज करने के लिए कई दफ़े उनके पैर छू लिए हैं, जबकि सबको पता है कि भारत के बड़े नेताओं में शुमार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से सिर्फ पद की गरिमा में ही उनसे कमतर हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर दोनों हैं, हम उम्र हैं। इसके बावजूद उनकी यह हरकत कहीं ना कहीं मोदी जी को असहज करने के लिए ही होती है। खैर, बात नीतीश कुमार बस एक संदर्भ के तौर पर ही हमने उनकी चर्चा की है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखने के बाद यह साफ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हार का पूरा ठेकड़ा वो योगी आदित्यनाथ पर फूटने जा रहा है। कुछ विजुअल्स और हम आपको दिखाते हैं। संजय सिंह ने भी तंज कसा है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो ऐसे मौके ढूंढते हैं और फिर तंज कसते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट देखिए कि जो विजुअल्स है दिखाई पड़ रहा है कि सुरक्षा कर्मी के पीछे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, बीच में सुरक्षा कर्मी, उसके बाद नरेंद्र मोदी चलते हैं, वो बेचारे पीछे पीछे आते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री के भी अपने सुरक्षाकर्मी होते हैं, कहाँ हैं उनके सुरक्षाकर्मी और क्यों योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल बन जाता है। और इसे ही, इस विजुअल को ही शेयर करते हुए
संजय सिंह ने लिखा है, केजरीवाल ने सही कहा था, ताजा वीडियो देख लीजिए, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा। मोदी जी हारते हारते बचे, लेकिन योगी जी के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है वो योगी को हटाने की तैयारी है। केजरीवाल की बात कभी गलत साबित नहीं हुई, रुझान दिखने लगे हैं। जो अभी आप तस्वीरें विजुअल्स देख रहे हैं, आप इसे इस अंदाज में भी देखिए कि फ्रेम बाय फ्रेम भी देख सकते हैं कि कहाँ योगी आदित्यनाथ रह गए, कहाँ नरेंद्र मोदी आ गए, कहाँ सुरक्षा कर्मी रह गए, कहाँ योगी आदित्यनाथ पीछे पड़ गए। अब एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी के पैरेलल चलने से अगर इस तरीके से रोकने की कोशिशें हुई हैं, उन्हें पीछे छोड़ने, उन्हें साइडलाइन करने की कोशिशें हुई हैं, तो इसका भी एक गलत मैसेज लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन में जा रहा है। लोग इस तरीके के ताबड़तोड़ वीडियोज शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। लोगों के इस कमेंट को लेकर भी अब एबीपी न्यूज के एक हेडलाइन को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर कार्यक्रम है, जहां पर सरसंघ चालक मोहन भागवत मौजूद थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी मुलाकात ना हुई। जबकि 5 दिवसीय कार्यक्रम के लिए सरसंघ चालक भागवत साहब गोरखपुर में रहे, योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन वहां रहे, लेकिन दोनों के मुलाकात को लेकर यह कहा जाने लगा कि मोहन भागवत इस कदर भाजपाइयों से नाराज हैं और उत्तर प्रदेश में जो सियासी तस्वीर पलटी है उसके बाद योगी के कद को कमजोर दिखाने के लिए भी कहीं ना कहीं मोहन भागवत, जो योगी को बहुत मानते थे, उन्होंने योगी से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मोहन भागवत का बयान बीजेपी को लेकर बहुत ही खटकने वाला था। क्योंकि मोहन भागवत और संघ का दिल जेपी नड्डा ने दुखाया, तो इसे पूरे भाजपा का बयान मानकर संघ ने इनसे दूरी बनानी शुरू की है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की पूछ संघ वाले बहुत रखते थे। अब देखिए वही वीडियो है जिसमें योगी आदित्यनाथ एक किनारे खड़े दिखाई पड़ते हैं। जीतू बर्दक ने इस वीडियो को शेयर कर एक कमेंट किया कि योगी जी के चेहरे को देखकर 2 शब्द जरूर लिखें, वीडियो रुकना नहीं चाहिए, हो जाओ शुरू रिट्वीट। मतलब योगी आदित्यनाथ दरकिनार किए जा रहे हैं, यह मैसेज देने की कोशिश लगातार चल रही है। इसमें एक ट्वीट और देखिए, फिर एबीपी न्यूज का हम हेडलाइन भी दिखाएंगे। इसमें दिखाया जा रहा है कि जहां भी नरेंद्र मोदी आगे आगे चले, वहां बहुत पीछे सुरक्षा कर्मियों के भी पीछे योगी आदित्यनाथ को चलना पड़ा। अब इसको लेकर ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सूर्या समाजवादी ने लिखा है, आगे आगे मोदी जी चल रहे, फिर उनके बॉडीगार्ड हैं, उसके पीछे योगी जी चल रहे। अब योगी जी से क्या खतरा हो सकता है जो उन्हें सुरक्षा घेरे में साथ साथ चलने नहीं दिया जा रहा है। योगी जी की ये हालत देखकर दुख होता है। इसमें लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि योगी जी को यहाँ इग्नोर करने की कोशिश चल रही है। और योगी जी को जब इस बात का एहसास हुआ, वो बनारस में नरेंद्र मोदी के आगे दंडवत होते दिखाई पड़ रहे थे। एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा कि पहले गुलाब फिर गमछा और बाद में गिफ्ट, पीएम मोदी के आते ही नतमस्तक हुए सीएम योगी, हार के बाद पहली मुलाकात यहाँ उत्तर प्रदेश में हुई है। अब इन तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद यही लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कद अब उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है। और खुद बनारस में मात्र 1.5 लाख वोटों से मिली जीत के बाद नरेंद्र मोदी भी योगी बाबा से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।